Hello friends, welcome to PS Art. I am Dina Jain. For learning Photoshop from basics to advanced, please subscribe to this channel and press the bell icon. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट शाइनी प्लास्टिक टेक्स्ट इफेक्ट इन फोटोशॉप. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे विड्थ 1280 और हाइट 720 रखा है मैंने. पिक्सल्स में ही रखना है ये. इसके बाद रिजोल्यूशन 72 रखा हुआ है. इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे. अब इसे स्क्रीन में फिट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए जीरो प्रेस करना है. अब हमें बैकग्राउंड को ब्लैक कलर देना है. आप देख सकते हैं मेरा फोरग्राउंड कलर ब्लैक सेट है ऑलरेडी. अगर आपका नहीं है तो आपको डी की प्रेस करना है तो ये बाय डिफॉल्ट फोरग्राउंड कलर ब्लैक और बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेट हो जाएगा. इसके बाद यहाँ से पेंट बकेट टूल सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है. तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर फील हो गया. अब हमें टेक्स्ट टाइप करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट कर लेंगे. फॉन्ट आप देख सकते हैं मैं ये वाला यूज कर रही हूँ, जुंगल. अगर आप कोई और यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं. इसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर आप देख सकते हैं व्हाइट सेलेक्टेड है मेरा. इसका हैश कोड 6F है. इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और टेक्स्ट टाइप करना है. तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगी कूल. इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है. अब हमें टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी प्रेस करेंगे और फिर ऑल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हुए इसे ड्रैग करना है बाहर की तरफ. और अब इसे यहाँ पे सेट कर लेंगे. इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे. अब ये टेक्स्ट वाली जो लेयर दिख रही है इस पर राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे यहाँ पे और फिर यहाँ पे कलर ओवरले इस पे क्लिक करना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लेंड मोड नॉर्मल है तो नॉर्मल ही रखना है. इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और कलर आपको जो भी रखना है वो सेलेक्ट कर लेंगे. यहाँ से मैं ये वाला कलर रख रही हूँ तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूंगी, एक्वा कलर. इसका हैश कोड आप देख सकते हैं 00E5FD है. इसके बाद ओके पे क्लिक करना है. ओपेसिटी 100% ही रखना है आपको. इसके बाद बेवल एंड नेम्बोज इस पे क्लिक करेंगे. यहाँ पे स्टाइल में आपको इनर बेवल रखना है, टेक्निक स्मूथ ही रखना है. डेप्थ कम कर लेंगे यहाँ से 35 कर लेंगे और डायरेक्शन अप ही रखना है. और साइज हम यहाँ पे बढ़ा देंगे 32 पिक्सल करना है और सॉफ्टन वैल्यू 2 पिक्सल कर लेंगे. और यहाँ पे यूज ग्लोबल लाइट इसे अनचेक करना है और एंगल यहाँ पे हम 150 डिग्री कर लेंगे और एल्टीट्यूड 46 डिग्री कर लेंगे. और यहाँ पे कॉन्टर हम दूसरा यूज करेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है. अब यहाँ पे सेटिंग का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कंटूर्स इस पर क्लिक करना है. तो आप देख सकते हैं ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया. अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी बहुत सारे कंटूर्स आ गए. तो आपको यहाँ पे ये रिंग ट्रिपल ये वाला सेलेक्ट करना है. इस पर होवर करेंगे तो आप देख सकते हैं रिंग ट्रिपल लिखा हुआ आ रहा है तो इसे सेलेक्ट करना है. अगर आपको नाम भी देखना है इनका तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सेटिंग के आइकन पे और यहाँ पे स्मॉल लिस्ट इस पे क्लिक करना है. आप देख सकते हैं अब सारे कंटूर्स का नाम भी दिख रहा है. तो मैंने यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट किया और हाईलाइट मोड स्क्रीन ही रखना है. ओपेसिटी यहाँ पे 75% रखना है और शेडो मोड में मल्टीप्लाई है. ओपेसिटी हम 0% करेंगे इसका और फिर कंटूर इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज कर लेंगे. इस पे क्लिक करना है एरो पे और यहाँ पे हम रिंग डबल ये वाला सेलेक्ट करेंगे. इसके बाद एंटर की प्रेस करना है और रेंज यहाँ पे 100% कर लेंगे. इसके बाद इनर ग्लो इस पे क्लिक करना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लेंड मोड अभी स्क्रीन है. यहाँ पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई सेलेक्ट करेंगे. ओपेसिटी 75% है अभी, कम कर लेंगे इसे 55% रख देंगे और कलर यहाँ पे चेंज कर देंगे. ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है. इसका हैश कोड आप देख सकते हैं 60 है. इसके बाद ओके पे क्लिक करना है. टेक्निक सॉफ्टवेयर ही रखना है और सोर्स में एड्स रखना है. चौक यहाँ पे हम 10% कर लेंगे और साइज यहाँ पे 30 पिक्सल कर लेंगे. यहाँ पे मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी और बढ़ा दूंगी, 70% कर लूंगी. इसके बाद ओके पे क्लिक करना है. अब हमें इसकी डुप्लीकेट लेयर बनानी है तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए जे प्रेस करेंगे. आप देख सकते हैं डुप्लीकेट लेयर बन गई. अब यहाँ इफेक्ट्स में बेवल एंड एम्बोज इस पर डबल क्लिक करेंगे.
यहाँ पे ये सब सेम ही रखेंगे, सिर्फ यहाँ पे एल्टीट्यूड चेंज करेंगे, 45 डिग्री कर लेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। अब इसकी ओपेसिटी कम करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओपेसिटी यहाँ पे 60% कर लेंगे। इसके बाद एंटर की प्रेस करना है और फिर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए इस लेयर को भी सेलेक्ट कर लेंगे। ये दोनों लेयर सेलेक्ट हो गई, आप देख सकते हैं। इसके बाद कुल कॉपी ये वाली जो लेयर है इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसे सेलेक्ट करना है और फिर इस लेयर पे राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पे इनर ग्लो इसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ब्लेंड मोड कलर डोज सेलेक्ट करना है, ओपेसिटी कम कर लेंगे, यहाँ से 20 कर लेंगे, कलर व्हाइट ही रखना है आपको। इसका हैश कोड आप देख सकते हैं 6F है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे सोर्स में सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे चौक की वैल्यू 15 रख देंगे और साइज यहाँ पे 25 कर लेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट कंप्लीट हो गया। अब अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ह्यू एंड सेचुरेशन इस पे क्लिक करना है और अब यहाँ पे इसे लेफ्ट में लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहे हैं। तो आपको जो भी कलर अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर अ न्यू विजिटर देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।